नमस्कार, मेरा नाम अमान, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेट्रो सिटी नागपुर को कहा जाता है, लेकिन जो आप टैक्स पे करते हो और जिससे आप उम्मीद करते हो कि सरकार आपको अच्छी रोड्स देगी, अच्छी सर्विसेज देगी, और आप ऐसी सर्विसेज मिलती है आपको बदले में। मैं मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब नागपुर को मेट्रो सिटी नहीं कहा जाता बल्कि गड्ढों का शहर कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर मौजूद है और बारिश के वक्त तो ये गड्ढा पूरी तरह बुझ जाता है और लोगों को पता तक नहीं चलता है कि यहाँ पर गड्ढा है और कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और ऐसा सिर्फ एक गड्ढे नहीं है बल्कि पूरे नागपुर शहर में अलग अलग जगहों में बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं जहाँ रिस्क बढ़ चुका है, लेकिन ना एनएमसी का ध्यान है ना सरकार का ध्यान है कि इन गड्ढों को बुझाना चाहिए, क्योंकि इसी के बाजू में ही मेडिकल हॉस्पिटल है। अगर आप इस गड्ढे में गिर जाते हो, आपको चोट लगती है, तो आप अपना फ्री में इलाज करवाइए। आजू बाजू बहुत सारी मेडिकल की शॉप्स है, आप वहां से मेडिसिन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से एनएमसी ने ऐसा सोचा होगा कि यहां पर गिरने वाला इंसान फ्री में मेडिकल में इलाज करवा सकता है, इसलिए इन गड्ढों को बुझाना जरूरी नहीं है, ऐसा एनएमसी को लगता है। लेकिन देखिए ये गड्ढों का हाल कितना बेहाल हो चुका है, यहाँ गिरने के चांसेस कितने बढ़ चुके हैं। और ऐसे एक गड्ढे नहीं, आगे जाओगे तो दो चार गड्ढे और मिलेंगे, और नागपुर शहर के अलग अलग एरिया में बहुत सारे गड्ढे मौजूद है जहाँ रोज ना जाने कितने लोग गिरते हैं और कितने लोगों को चोट लगती है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आइए आपको नागपुर मेट्रो सिटी का हाल दिखाता हूँ जिसे अभी हम गड्ढेपुर कहते हैं। आइए, एक ऐसा गड्ढा है इसी मेन रोड पर आपको दिखाई देगा जहाँ पर रोज नई नई गाड़ियाँ जाती है, और सोचिए बारिश के वक्त ये गड्ढे आपको दिखते भी नहीं है और ये गड्ढे इतने बड़े होते हैं, और यहाँ से पूरा रोड चलता फिरता रोड है जहाँ पर गाड़ियों की स्पीड ऑलमोस्ट 50 के ऊपर होती है। या तो आपको अचानक ब्रेक मारना पड़ेगा या तो आपको इन गड्ढों के ऊपर से अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। सोचिए आपके साथ बच्चे हैं और जोर से इसके ऊपर से गाड़ी जाती है और गलती से गाड़ी गिर जाती है, चोट लग जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेडिकल स्टोर में ही मौजूद हूं, उसका दूसरा रोड जहां आपको बता दूं कि वो भी गड्ढों से भरा हुआ है और ना जाने कितने महीनों से और कितने सालों से ये गड्ढे ऐसे ही मौजूद है। और साथ ही साथ बता दूं कि यहां पर आगे देख सकते हो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है, यहीं से एम्बुलेंस गुजरती है पेशेंट को लेते हुए। और यहां पर जब गड्ढों का हाल इस तरह है तो जो अंदर में बैठा है एम्बुलेंस में बैठा हुआ पेशेंट का हाल क्या होता होगा। रोज यहाँ ना जाने कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं अपनी गाड़ियों से, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और कई बहुत सारे ऑटो वाले जो अपने कस्टमर्स को लेकर जाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। लेकिन सरकार की नजर तो सिर्फ मेट्रो सिटी बनाने में लगी हुई है, क्या ये छोटी छोटी बातों को जिससे बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं उस पर ध्यान दे पाएगी? टैक्स मत पे करो तो सरकार पेनल्टी लगाती है और सजा भी देती है, लेकिन क्या उन टैक्स पेयर्स को यह पता है कि उनके पैसों से ऐसा हाल होता है? हम यहां पर मौजूद है, लेकिन जिस तरह आप ये गड्ढे देख रहे हैं, जिस तरह आप ये सड़कें टूटी फूटी देख रहे हैं, ये चलता फिरता रोड है जहां रोज यहां से हजारों लोग गुजरते हैं और तकलीफों से गुजरते हैं। इस बारे में सवाल किससे पूछा जाए, सरकार से पूछा जाए जिसको हम अपना टैक्स देते हैं, या एनएमसी से पूछा जाए, किससे पूछा जाए, और कौन है इसका जवाब दे? यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है, परिवार वाले गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, मेट्रो सिटी तो बन ही जाएगी कैसे ना कैसे करके, लेकिन जब आम जनता ढंग से सड़कों पर चल नहीं पाएगी तो क्या करेंगे उस मेट्रो का? और जब आम जनता यहां पर ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाएगी तो क्या सिर्फ मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए ही बचेगा मेट्रो? आप देखिए कि यहां पर रोज कितने लोग चल रहे हैं और कितनी गाड़ियां जा रही है और कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है आम जनता को। मेट्रो की कम भीड़ ये साबित करती है कि मेट्रो में आजकल लोग कम चढ़ते हैं, इसलिए तो मेट्रो वालों ने अपना एक डिब्बा पार्टीज के लिए देना शुरू कर दिया था। और आप ये देख सकते हो कि नागपुर शहर में मेट्रो तो बन रही है लेकिन सड़कों का हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। शहर के बीचों बीच खड़ा हूं जहां पर मेडिकल स्क्वायर मौजूद है, और आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही एरिया के चार रोड को कवर कर रहा हूं जहां पर गड्ढों की भरमार है,
नागपुर को मेट्रो सिटी बोला जाता है ये बार बार कह रहा हूँ, लेकिन क्या मेट्रो सिटी कहना सही है? क्या उसे एक सही रोड पहले बना दिया जाए ये नहीं कह सकते? आप देख सकते हैं कि सेंटर में, मेडिकल के सेंटर में खड़ा हूँ, मेडिकल स्क्वायर के, और यहाँ पर गड्ढों की भरमार है, और आप देख सकते हैं कि सामने ही हॉस्पिटल है और इसके बाजू में मेडिकल हॉस्पिटल है, और यहीं से हजारों एम्बुलेंस बार बार गुजरती है अपने पेशेंट्स को लेते हुए, और यहाँ आप देख सकते हो कि कितने गड्ढे हैं और यहाँ कितने चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के, और ये सारी चीजों का ध्यान रखना था एनएमसी को, सरकार को, लेकिन क्या उम्मीद की जाए जो इतने सालों से इस गड्ढों को नहीं भर पाए, उनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि वो नागपुर शहर को एक मेट्रो सिटी बना पाएंगे? फिलहाल आप देख सकते हैं कि नागपुर शहर के मेडिकल स्क्वायर में जहां आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पर इतने सारे गड्ढे हैं एक ही एरिया में, हम आपको बता भी नहीं सकते। फिलहाल आप इन गड्ढों का नजारा देखिए और देखिए हमारा नागपुर शहर कितना सुंदर है और कितना प्यारी मेट्रो सिटी बन चुकी है। इतने सारे जो गड्ढे हैं यहाँ से रोज गुजरते हो आप भी, तो क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल होता है सर, बहुत बुरा हाल होता है। कितनी कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? बहुत तकलीफों का सामना कर रहे हैं, बस स्टैंड से तुम बर्डी तक तो पूरा रोड ही खराब है। हाँ, तो क्या कहोगे आप सरकार से? सरकार से क्या करना है, अभी जो सरकार अच्छे रोड है वो तोड़ रही, और जो खराब रोड है उनको बना नहीं रही, गड्ढे बुझा रही, बस बाकी क्या है। यहाँ जो मेडिकल में इतने सारे गड्ढे हुए पड़े हैं मेडिकल स्कूल में, उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो यहाँ से तो पूरा पानी भरा रहता है सर, बहुत तकलीफ जाती पानी में। तो ये तो ऐसा है कि ये इनको बजट दिखाना पड़ता है, इनको पता है रोड बारिश में निकल जाते फिर भी रोड बनाते, इनको बजट बढ़ाना पड़ता है, पैसा ये करना पड़ता है। अभी ऐसे खड्डों के कारण कई बार तो हमारा भी खुद का एक्सीडेंट हुआ है, कई बार मोबाइल भी गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, तो भी ये कुछ महानगर पालिका अच्छे रोड बनाते नहीं है, बस इलेक्शन जब आते हैं तब वो थोड़ा अपना काम कुछ दिखाना है करके कर रहे हैं, हम ये बताते रहते हो। ये मेडिकल चौक में बहुत सारे गड्ढे हैं, यहाँ से एम्बुलेंस आती है, यहाँ पे बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, वो आगे में दिख रहे आपको गड्ढे, वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होता है, ये गड्ढे देखो, एम्बुलेंस आती है लोगों को परेशानी होती है, बाल बच्चे लोगों के साथ में रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है, ये गड्ढे का काम करने को होना सरकार ने। मेडिकल स्क्वायर चलता हुआ रोड और एग्जैक्ट टर्निंग में आप देख सकते हैं कि कितने गड्ढे यहाँ पर मौजूद है और कितना ज्यादा रिस्क है, यहाँ से टर्निंग लेते वक्त बारिश के वक्त गाड़ी स्लिप हो सकती है, गड्ढे बुझ जाते हैं पानी से, कुछ दिखाई नहीं देता लोगों को, तब जाकर यहाँ पर एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, लेकिन सरकार और एनएमसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती है, ऐसे गड्ढों में कितने बार कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। ये गड्ढे ना जाने कितने महीनों से और कितने सालों से यहाँ पर यहीं पर मौजूद है, लेकिन किसी ने कोई एक कदम आगे बढ़ाकर इन गड्ढों को कभी नहीं बुझाया। पंद्रह साल हो गए ये गड्ढे है, पानी आया तो तीन तीन चार चार दिन पूरा पानी जमा रहता है, मच्छर उच्छर पूरा बीमारी का धन है, दो चार पांच बार दो चार आदमी भी गिरे है इसमें। हाँ, ये देखो पूरी टूटी जाती है, वो आते हैं काम करने वाले ऐसे हाथ लगाते हैं उसको इधर उधर से काले कुले लगाते हैं, बाद में चले जाते हैं, लेकिन ये गदर के तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। 15 साल से हम, और ये बीमारी का धर्म है, 15 साल से हम यही बीमारी झेलते आ रहे हैं, दुकान के सामने में है और हमको भी तकलीफ है बीमार उमार होने के, मच्छर पच्छर पूरे पड़े रहते हैं, तो थोड़ा इसके तरफ ध्यान दो। सर ये 15 साल के ऊपर हो रहा है, ये रोड अभी तक का काम नहीं किया है, ये देखो जगह जगह गड्ढे हैं, लोग हमारे सामने गिरते हैं, आप कभी बारिश आती है ना तो बारिश के सामने यहाँ से गाड़ियाँ उड़कर गिरते हैं लोग, और ये 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ, एम्बुलेंस जाती है यहाँ से इतने स्पीड से, दिक्कत हमेशा ही जाती है यहाँ पे, रोड बनाने को होना सबसे अच्छा। हमारी दुकान देखो सर, ये पूरी डूबी रहती है बारिश के टाइम में, ये गड्ढर से पानी निकलता है, ये गड्ढर तो देखो एक बार, ये गड्ढर से पानी निकलता है ऊपर से, ऐसा है इसमें। महाराष्ट्र के गड्ढेपुर यानी नागपुर शहर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं सिर्फ मेडिकल स्क्वायर में मौजूद था,
यहाँ पर आपको चार रोडों पर मैंने कम से कम आपको 8 से 10 गड्ढे दिखा दिए, जिससे ये पता चलता है कि आजू बाजू हॉस्पिटल्स भी है, बहुत सारे एम्बुलेंस यहाँ पर गुजरती है, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से गुजरती है। एक्सीडेंट होने के चांसेस 80 से 90% तक है, लेकिन आज तक NMC ने इन गड्ढों को बुझाने की कभी कोई कोशिश ही नहीं की। फिलहाल ये गड्ढे ऐसे ही है और ये कब तक रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। मेहमान यहाँ से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए गड्ढों के साथ। तब तक रास्ते में चलते हुए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पता नहीं ना जाने नागपुर शहर में और कितने गड्ढे मौजूद हैं।